लावे साहब, ये बताइए कि काफी सारी पार्टियां जो है वो मैदान में आई है। आज आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए यही जो फेसबुक लाइव के लिए आपने दिया, तो कब आप पॉलिटिकल नई पार्टी बनाएंगे? कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं, तो क्या आप आने वाले दिनों में लोगों के लिए कुछ नया लाएंगे? देखिए, यहाँ लोगों के मसले हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को उजागर करना मेरा काम है जी। और लोगों से जो भी मसले होंगे तो उनको उजागर, बीइंग एज एमपी, तो लिहाजा लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हमें लोगों का काम करना मेरा फर्ज है जी। तो ये कोई मिन्नत नहीं है लोगों को कि मैं उनका काम करता हूँ, मैं तो इसके लिए तनख्वाह लेता हूँ जी। मैं गवर्नमेंट की इंडिया की जो भी फैसिलिटीज है उसको मैं फैसिलिटीज़ को मैं लेता हूँ। लिहाजा मेरा काम है कि लोगों की खिदमत करना, और आने वाले काल में भी जो भी काम होगा वो तो मैं करता रहता हूँ। और आपने कहा कि आने अब जो और पार्टियाँ बनेंगी, पार्टियाँ दो, ये तो अपना मन होता है, अपनी मतलब इच्छा होती है, लोग मिलके पार्टियाँ बनाती रहते हैं और कुछ पार्टियाँ ख़त्म होती रहती हैं, ऐसा ही चलता है, ये देश ऐसा ही चलता है। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं कि कोई पार्टी बनाएगा, कोई पार्टी बिगाड़े, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बुनियादी जो मामला है वो लोगों की खिदमत करने का है, और एक पॉलिटिकल वर्कर को यही उम्मीद होनी चाहिए, यही आशा होनी चाहिए, और यही खिदमत खड़ा करने का उसको तौफीक होना चाहिए। लावे साहब, ये बताइए सीधे, आप खुले जहन से बात करते हैं, हमेशा बिला टोक के बात करते हैं, आपके साथ अभी कितने लोग जुड़ चुके हैं अंदर, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं जो आपने बताया कि मतलब कुछ लोग हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नई पार्टी तैयार करेंगे? देखिए, हर एक पोलिटिकल लीडर का या हर पोलिटिकल वर्कर का ये अच्छा होता है कि जितना मजबूत मैं हूँ जी, उतनी हमारी काम ज़्यादा, लोगों के मसाइल ज़्यादा हल होंगे। लिहाजा हमें अपने आप को मजबूत करना है, और यहाँ के लोगों को मसले तभी हल होंगे जी। लिहाजा इस मामले में हर एक आदमी का यही इच्छा होती है कि जितना वो मजबूत होगा, जितनी उसकी ग्रिप होगी ऑन ग्राउंड, उतना उस लोगों का काम कर सकता है। कब तक आप लगभग पार्टी तश्किल देंगे, और कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं? ये हमारा प्रोसेस चल रहा है, देख जी, इसमें टाइम लगता है, इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है जी। इसमें कोई जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन में खुद ब खुद, जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे मुझे महज यहाँ 10 दिन में बन गया इलेक्शन फार्म, लोगों ने फार्म भरे, उसके बन गए, पार्टियाँ ऐसी भी बनती है, पार्टियाँ ऐसे भी लोग ऐसे भी जुड़ जाते हैं। क्या क्या लोग तवक्का रखेंगे, जिस तरीके से मुफीद महाज ने जो है 2 दिन में ही सारा इलेक्शन जो है अपने ग्रुप में लिया था, क्या लोग ये तवक्का रखेंगे नज़ीर अहमद लावे से, जो पार्टी नज़ीर अहमद लावे लॉन्च करने वाले होंगे कुछ आने वाले दिनों में, वो पूरे जम्मू कश्मीर में ग्रिप करेंगे? अगर इसमें अच्छे लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली करेंगे, लेकिन उसका बहुत मामला है कि उसमें अच्छे लोग होने चाहिए। जब अच्छे लोग आएंगे तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, अगर अच्छे लोग आएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएंगे, अच्छे लोगों को नहीं लाएंगे तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? लवी साहब, अभी तक कितने इंटेलेक्चुअल लोग जो है, कितने पॉलिटिकल लीडर्स आप की टच में है कि हम आपके साथ हैं? अरे, इसमें पॉलिटिक्स में हज़ारों लोग टच होते हैं जी, इसमें पॉलिटिक्स में हज़ारों टांग होते हैं, लोग होते हैं, उनके अपने मसले भी होते हैं कि लोगों की खिदमत करने का भी मसला होता है। लिहाजा ये बात बयान नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें कुछ राज है जो बता नहीं सकते, कुछ चीज़ आदमी बोल सकता है ऑन माइक ग्राउंड या ऑन माइक, कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिकल लीडर के दिल में ही दफन हो जाते हैं जी, जो कभी जिंदगी भर नहीं बोलता है। इस मामले में हम भी आप पॉलिटिकल नेचुरल थे, हमारे में भी हैं, हम तो बहुत पॉलिटिकल बड़े फोरम में काम करते हैं, लिहाजा हमारे पास भी कुछ ख्याल हैं, कुछ चीज़ हैं, अगर वो आने ग्राउंड इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो रिजल्ट खुद बखुद आ जाएगा। यानी कि लोग तवक्का रखेंगे कि नए चेहरे सामने आएंगे, नई पार्टी सामने आएंगे, और लोगों के मसाइल जो है वो हल करेंगे। इंशाल्लाह वही हो सकता है कि लोगों को भी, अच्छे लोगों को लोगों की खिदमत करनी चाहिए, और जो लोग ऑन ग्राउंड हैं तो उनको भी अच्छे लोगों के ऊपर नज़र होनी चाहिए, ताकि वही लोग चाहिए, जब अच्छे लोग आएंगे तो वही लोगों की खिदमत करेंगे, अगर उसमें ये गलत लोग आएंगे तो वो लोगों को जीना हराम करेंगे। लावे साहब, ये बताइए कि कुलगाम के लोग आपको चाहते हैं, यानी कि पूरे साउथ कश्मीर की अगर बात करेंगे, वो आप आज एक राज्यसभा मेंबर है जिसके पास लोग आते हैं कोई काम लेके, किसी का बेचारे का को हज़ारों काम होते हैं, जिन लोगों के जो काम होते हैं, चाहे आई ए शहर के हवाले से, चाहे कि, तो वो जो साउथ कश्मीर के लोग हैं, जिस साउथ कश्मीर से एक नई पार्टी का जन्म होने वाला है, तो वो लोग कब तक तवक्का रखेंगे कि कब तक इस पार्टी का ऐलान होगा? देखिए, ये ख्यालात की जंग है, पॉलिटिक्स ख्यालात की जंग होती है, इसमें आदमी कोशिश करता है, फिर सारा जो होता है वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आदमी जो नीचे होता है वो कोशिश करता है। हम कोशिश करेंगे, देखेंगे अल्लाह ताला के हमारे मुकदमे में क्या लिखा होगा। यानी कि जितने लोग आपसे जल्दी जुड़ेंगे उतना आप जल्दी उसका अनाउंसमेंट भी करेंगे, इंशाल्लाह, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। शुक्रिया, यही थे नज़ीर अहमद लावे, जिन्होंने हमसे सीधे बात की, मेंबर राज्यसभा मेंबर जो है, उन्हें सीधे नई पार्टी का नई पार्टी की जो बुनियाद है वो कुलगाम जिले से होंगी। हमारे से काफ़ी सारे लोग जो है वो टच है अभी जो है उसका, जितने लोग ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे उतना जो है उस पार्टी का मैं ऐलान करूँगा, और उस पार्टी के जो हेड है नज़ीर अहमद लावे जो है अपनी और एक पार्टी जो है, जिस तरीके से बशारत अल्ताफ़ बुखारी एक पार्टी का हेड है अभी, और नज़ीर अहमद लावे जो है खुद की पार्टी बनाना चाहता है, खुद की पार्टी वो लॉन्च करेंगे आने वाले दिनों में, इलेक्शन का बिल्कुल ज्यों ही बचेगा, नई पार्टी की इनॉग्रेशन होगी। सुजाम वाड़ी, एक्सेल शेयर न्यूज़, कुलगांव।